आज हम बनाने जा रहे हैं फिश करी। तो उसके लिए हमने आधा पाव से ज़्यादा तेल लिया है ये। अब हम डालेंगे इसके अंदर मेथी दाना और एक चम्मच जीरा। अब इसके बाद हम इसके अंदर मछली डालेंगे। मछली को हल्का सा फ्राई करके हम इसे निकाल लेंगे। और तेज आग पर ही फ्राई कर लें आप इसे। तो आप देखें इसका रंग तब्दील हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, किसी बर्तन में मछली को निकाल लेंगे और उसका मसाला तैयार करेंगे आप। तो मछली हमने निकाल ली है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक 1.5 चम्मच और 1 अदद प्याज पिसी हुई, दरमियानी 1 अदद प्याज। अब हम इसमें मसाले डाल के उसको भूनेंगे अच्छे से। आधी चम्मची हल्दी, 1 चम्मच धनिया पिसा हुआ, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच। अब इस मसाले को हमने खूब अच्छे से भून लेना है। अगर आप लोग कम मिर्चें इस्तेमाल करते हैं तो आप कश्मीरी मिर्च इस्तेमाल करें। हमने भी कश्मीरी मिर्च इस्तेमाल की है। इसमें पानी डाल डाल के इसको अच्छे से भून लें कि इसमें से लहसुन प्याज वगैरह की हरार ना आए मसालों की। इतना आपने इसको भूनना है, ठीक है। वो 10 मिनट लगी या 5 मिनट लगी, मगर इसको खूब अच्छे से भून लेना है। जितना अच्छा भुनेगा उतना ही मसाला अच्छा तैयार होगा आपका और करी आपकी बहुत अच्छी और लजीज जायकेदार बनेगी। इस तरीके से ज़रूर आप लोग ट्राई करके बनाइएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मसाला भून चुका है, हम इसके अंदर दही डालेंगे। आधी कटोरी दही डाला है। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी 1 गिलास। 1.5 गिलास हमने पानी डाला है इसके अंदर। आप चाहें तो ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, ज़्यादा शोरबा भी बना सकते हैं। हमने ज़्यादा शोरबा नहीं बनाना क्योंकि शोरबा बिल्कुल कम ही अच्छा लगता है, ज़्यादा शोरबा अच्छा नहीं लगता इसमें। तो अब हम इसका नमक चेक कर लेंगे। तो थोड़ा सा नमक और डालेंगे इसके अंदर। बस जैसे इसके अंदर उबाल आएगा वैसे ही हम मछली डाल देंगे इसमें। अब हम इसके अंदर मछली के कतले डाल देंगे। दो मिनट तक हम इसको तेज आंच पर पकाएंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे सूखी कसूरी मेथी और आधी चम्मची गरम मसाला और चूल्हा ऑफ कर देंगे और इसे ढक देंगे। आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी।